नाउ लास्ट मेजरेबल प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा, इट इज टेम्परेचर, कि आज कितना हॉट डे है, गर्म लगता है, कितना ठंडा लगता है. सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टेम्परेचर. सो व्हाट इज टेम्परेचर? टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज नथिंग बट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. टेम्परेचर क्या होता है बेटा? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस, या एक्सटेंट ऑफ हॉटनेस या एक्सटेंट ऑफ कोल्डनेस. एखादा सब्सटेंस कहाँ तक हॉट है, कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, दैट डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज नथिंग बट टेम्परेचर. या टेम्परेचर गिव्स डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ सब्सटेंस. टेम्परेचर इट इज एक्सप्रेस बाय थ्री डिफरेंट यूनिट्स. एक होता है एसआई यूनिट्स, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, जिसे हम केल्विन में एक्सप्रेस करते हैं. दूसरा नॉर्मल टेम्परेचर होता है बेटा, जो नॉन साइंटिफिक पीपल यूज़ करते हैं हम डेली लाइफ में, दैट इज डिग्री सेल्सियस. एंड इन सम ऑफ द एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए, वहाँ डिग्री फारेनहाइट यूज़ किया जाता है. केल्विन, सेल्सियस एंड फारेनहाइट, दीज आर द थ्री सेल्स. तीन साइंटिस्ट ने तीन स्केल दी थी, उनके नाम से ये जानी जाती है. अब हम देखते हैं रिलेशन क्या है इनमें. ध्यान में रखिएगा, केल्विन, पहले हम केल्विन और सेल्सियस में देखेंगे. टी केल्विन इट इज़ नथिंग बट टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. और अगर 0.15 नहीं लिया तो भी चलता है. टी केल्विन यानी टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15. समझो, आपको कहा है कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन. तो हम क्या करेंगे बेटा, केल्विन में टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस कितना है 100, सो 100 प्लस 273.15 यानी 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन में कितना हो गया ये 373.15 केल्विन. 100 डिग्री का मतलब केल्विन में क्या होगा 373, क्योंकि केल्विन वाली जो स्केल है डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में इट इज़ ग्रेटर बाय 273.15. ओके, और अगर हमें इसे केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो क्या करेंगे, टी डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू टी केल्विन माइनस 273.15. अगर हमें केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो केल्विन में से 273.15 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट. अब फारेनहाइट के लिए क्या होता है, वो रिलेशन थोड़ा सा अलग है, उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा. पहले लेट अस सी ऑन व्हाट बेसिक फैक्ट दीज यूनिट्स हैव बीन डिराइव्ड. हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि स्केल किस तरह से डिराइव की गई होगी. देखिए, ऑन सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस. पता है आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस. बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस. और ये जो टेम्परेचर रेंज है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर 100 डिग्री सेल्सियस. तो फ्रीजिंग ऑफ वाटर टू बॉइलिंग ऑफ वाटर ये जो टेम्परेचर रेंज है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउ मेनी पार्ट्स, 100 पार्ट्स. लॉजिकली अगर हम देखें तो टोटल 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस यानी फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये जो टेम्परेचर जोन है, रेंज है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल 100 पार्ट्स. और एवरी सिंगल पार्ट फ्रैक्शन यूनिट विल बी इक्वल टू 1 डिग्री. तो यहाँ हर एक मार्किंग जो आपको यहाँ दिखाई देगी, एक मार्किंग विल बी इक्वल टू कितने डिग्री, 1 डिग्री. क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, बॉइलिंग पॉइंट 100 लिया है वाटर के लिए, और 0 to 100 में हमने कितने पार्ट्स किए हैं, 100. तो हर एक पार्ट जो भी होगा इट इज़ इक्वल टू 1 डिग्री. केल्विन देखो बच्चों लोग ठीक से, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर यानी वही टेम्परेचर जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन में कितना होता है, 273.15 केल्विन. यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है बेटा, 273.15. बिल्कुल
आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ केल्विन में वैल्यू कितनी होगी, 273.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 373.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में क्या होता है वाटर का, 373.15। अब यहाँ देखो अगेन, फ्रीजिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट, बोथ दीज टेम्परेचर रेंजेस दे हैव बीन डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउ मेनी पार्ट्स, 100 पार्ट्स कर दिए हैं यहाँ। तो यहाँ भी एवरी सिंगल पार्ट विल बी इक्वल टू 1 केल्विन। कोई भी एक पार्ट अगर हम देखेंगे, एक फ्रैक्शन, एक यूनिट की वैल्यू देखेंगे, तो यहाँ एक यूनिट की वैल्यू वही रहेगी 1 केल्विन, यानी डिग्री जितनी ही रहेगी, बट जहाँ डिग्री सेल्सियस में शुरुआत 0 से होती है, केल्विन में शुरुआत हो गई 273.15 से, बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है केल्विन में, 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में 373.15। अगर इसे हम ठीक से देखेंगे, गौर से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आपके समझ में आ जाएगा केल्विन वाली वैल्यू डिग्री सेल्सियस से कितने वैल्यू से ग्रेटर है, 273.15। एंड हेंस टी केल्विन कैपिटल टी इक्वल्स टू टी डिग्री सेल्सियस स्मॉल टी प्लस उसमें हमें क्या ऐड करना है, 273.15 या सिंपली 273। गॉट इट? एंड दैट्स वाई केल्विन वाली वैल्यू जो भी होगी डिग्री सेल्सियस से 273.15 से ज़्यादा होती है। ठीक है, नाउ वी शैल कंसिडर रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट। अब ज़रा ठीक से देखो, अगर हम फारेनहाइट स्केल पे देखेंगे तो व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, 273.15 केल्विन, लेकिन फारेनहाइट स्केल पे कितनी वैल्यू है बेटा, इट इज़ 32 डिग्री फारेनहाइट, यानी नीचे अप टू 32 पॉइंट, नीचे 32 पॉइंट जो भी है वो ब्लैंक छोड़ दी है। अगर हम किसी भी स्केल की शुरुआत करेंगे तो वो 0 से आ जाएगी, अगर हम नीचे जाएंगे तो 0 होगा, यहाँ भी अगर हम नीचे जाएंगे तो शुरुआत कहाँ से होगी, 0 केल्विन से। लेकिन सेल्सियस और केल्विन में अभी हमने देखा 273.15 की वैल्यू से ज़्यादा होती है, इसीलिए 273.15 हम ऐड करेंगे। अब यहाँ देखो बच्चों लोग, अगर हमें फारेनहाइट को, सॉरी डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो वी विल हैव टू ऐड विच टर्म, कौन सी टर्म या कौन सी फिगर नंबर हमें ऐड करनी होगी, 32 ऐड करना होगा यहाँ। ओके, जहाँ 0 डिग्री सेल्सियस होता है वहाँ फारेनहाइट में 32 डिग्री फारेनहाइट होता है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट देखिएगा, इट इज़ नॉट 132। अगर यहाँ बॉइलिंग पॉइंट 132 होता, अगर नहीं है फिर भी मैं कहता हूँ, अगर बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 132 डिग्री फारेनहाइट होता तो इक्वल 100 पार्ट्स होते, और वन और डिग्री फारेनहाइट विल बी इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 100 लेते थे हम, लेकिन यहाँ आप सॉरी डिग्री फारेनहाइट प्लस 32 लेते थे, बट यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 212 डिग्री फारेनहाइट। फिर एक बार ये स्टेटमेंट देखो बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर फारेनहाइट पे होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 212 डिग्री फारेनहाइट। अगर ये 132 होता, अगर 132 डिग्री फारेनहाइट होता तो इक्वल 100 पार्ट्स होते, और डिग्री फारेनहाइट वुड हैव बीन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट 32, बॉइलिंग पॉइंट इज 212, तो ये जो डिफरेंस दिया है हमें, ये जो टोटल डिफरेंस है, दिस इज ऑफ 180। डिफरेंस कितना है बेटा, 180 का है, यानी पहले दोनों भी केस में, या थोड़ा सा केल्विन वाला छोड़ दो, डिग्री सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर तक जाते वक्त हाउ मेनी इक्वल यूनिट्स और डिवीजन आर देयर, 100, लेकिन यहाँ कितनी डिवीजन है बेटा, 180 डिवीजन्स है। एंड दैट्स वाई वी कैन राइट 180 डिग्री फारेनहाइट, इट इज इक्वल टू सेल्सियस में वैल्यू क्या आ जाएगी, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट से बॉइलिंग पॉइंट
तक अगर जाना है हमें वाटर के, तो डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस होगा, बट फ़ारेनहाइट में 32 से लेकर 212 फ़ारेनहाइट में ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इवन वी कैन से 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ सिमिलैरिटी नहीं है, इधर 100 इक्वल पार्ट्स थे, यहाँ 180 इक्वल पार्ट्स है, और प्लस हमें 32 भी ऐड करना होता है। एंड दैट्स वाई अगर हमें डिग्री फ़ारेनहाइट में जाना है, टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, पहले हमें 180 डिवाइडेड बाय 100 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस क्या ऐड करना होगा, 32। और अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या 9/5 इज नथिंग बट 1.8, सो 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ये रिलेशन हमें ध्यान में रखना है, क्या डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, या डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और अगर हमें इसे सेल्सियस में से फ़ारेनहाइट में जाना है, तो क्या करेंगे बेटा, डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू क्या होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये 32 हमें इधर लेना होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, और इट इज़ टू बी मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, ये 5/9। ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5/9, 5 विल गो टू न्यूमरेटर, 9 विल गो टू डिनोमिनेटर, सो डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू 5/9 इनटू इन ब्रैकेट टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। सो दिस इज अबाउट टेम्परेचर एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल्स विच आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। तो जब भी आप वीडियो लेक्चर्स के थ्रू स्टडी करोगे बेटा, सबसे पहले यू हैव टू बी कॉशियस एंड यू शुड बी 100% कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन व्हाट द टीचर्स आर सेइंग। 100% आपका कॉन्सेंट्रेशन टीचर्स क्या कह रहे हैं उस पर होना चाहिए, क्योंकि हम आमने सामने नहीं है। अगर थोड़ा इधर उधर देख लिया बाद में, सर हैंड रेज करके कि मुझे समझ में नहीं आया, ये यहाँ नहीं हो सकता। हालांकि आप आपकी डिफ़िकल्टीज पूछ सकते हैं, वो बात अलग है, वो भी लाइव इंटरेक्शन में हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन जब भी आप ये वीडियो लेक्चर्स ऑब्जर्व करोगे, बहुत केयरफुली विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन आपको ये ऑब्जर्व करना है। एक वीडियो लेक्चर आपने ऑब्जर्व किया, इमीजिएटली उसके बाद वो कंटेंट आपको टेक्स्ट बुक में से रीड करना है। अच्छी तरह से वो टेक्स्ट बुक में से वो रीड करो, पॉइंट समझ लो। अगर कोई एक आधा पॉइंट आपके ध्यान में नहीं आया, इमीजिएटली लिसन दैट सेक्शन वंस अगेन, फिर एक बार आप वीडियो लेक्चर में वो पॉइंट आप देख लो, एक दो बार उसे ठीक से समझो, समझने की कोशिश करो, फिर रीड करो। इन दिस वे लर्निंग एंड रीडिंग इट शुड बी अ साइमल्टेनियस प्रोसेस। लेक्चर आपने सुन लिया, ठीक से समझ लिया, इमीजिएटली उसे आपको लर्न करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी हमने बोर्ड पर लिख कर दिए हैं, या जो भी हम बोर्ड पे लिखते हैं, दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, एक भी क्वेश्चन अदर दैन द पोर्शन रिटन ऑन द बोर्ड नहीं होगा। जो हमने बोर्ड पे लिया है उसी में से 101% MCQs आपके एग्जाम में उसी में से होंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी कुछ नोट्स होंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, वो आपको राइट डाउन करने हैं, फिर उसको और एक बार टेक्स्ट बुक के साथ उसे कंपेयर करके देखना है, कोई स्टेटमेंट में, कोई वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। इस तरह से अगर हम या आप लोग ज़्यादातर इस तरह से अगर आप स्टडी करोगे, तो डेफिनेटली यू वुड इम्प्रूव योर स्कोरिंग एंड परफॉर्मेंस। ओके, ठीक। Hi students, welcome once again. In last period, we have seen different physical quantities and their measurements.
What are different measurable physical quantities? What are the units used for them? Right? Now, we shall see measurements and significant figures. क्या पार्ट देखना है बेटा हमें? मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. हालांकि आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू वंस अगेन दैट दिस पार्ट विल बी डिस्कस वेरी मच इन डिटेल इन फिजिक्स ऑल्सो. यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, उसमें ये पार्ट आप बहुत डिटेल्स में स्टडी करने वाले हो, लेकिन हमें भी उसकी थोड़ी सी ज़रूरत पड़ती है केमिस्ट्री में भी, फिजिकल क्वांटिटीज, मेजरमेंट्स. सो सम पोर्शन, मिनिमम रिक्वायर्ड पोर्शन जो हमारे लिए ज़रूरी है और टेक्स्ट बुक में जिसका रेफरेंस दिया है वो पार्ट अब हम यहाँ देखेंगे. मेजरमेंट्स एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल सी मेजरमेंट. देखो बेटा, केमिस्ट्री इट इज़ नथिंग बट एन एक्सपेरिमेंटल साइंस. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म इन केमिकल लैब वेयर साइंटिस्ट हैव टू मेजर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंटल साइंस होता है बेटा, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं इसमें. उसमें साइंटिस्ट को बहुत सारी मेजरमेंट्स लेनी होती है, बहुत सारी क्वांटिटीज मेजर करनी होती है, सच एज मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर एट्सेट्रा. कॉमन सिंपल सी ये कुछ क्वांटिटीज है जो केमिस्ट्री में या एक्सपेरिमेंट करते वक्त केमिस्ट्री में हमें मेजर करनी होती है. ओके, नाउ वी नो दीज मेजरमेंट्स मेड बाय साइंटिस्ट दे मे नॉट बी 100% एक्यूरेट. हर बार मेजरमेंट 100% एक्यूरेट होगी कन्फर्मली हम ऐसा नहीं कह सकते, बिकॉज एक्यूरेसी इन द मेजरमेंट्स इट मेनली डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स. जो भी मेजरमेंट्स होती है बेटा लैब में उसकी एक्यूरेसी कितनी होगी वो दो फैक्टर पे डिपेंड करती है. व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर? इट इज स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर या परफॉर्मर. जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है पर्सन, उसका स्किल कितना है उस पर ये डिपेंड करेगी. एंड सेकेंड होती है लिमिटेशंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का कुछ लिमिटेशंस होता है. जिस इंस्ट्रूमेंट का हम मेजरमेंट के लिए यूज़ करेंगे उसका कोई लिमिटेशंस होता है. हर एक इंस्ट्रूमेंट 100% एक्यूरेट नहीं होता. जैसे आपने ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन 10th में स्टडी किया होगा बेटा, आई एम श्योर स्टडी किया है आपने, और वहाँ आपको टीचर्स ने बहुत बार बताया होगा बेटा अगर कोई सेगमेंट की लेंथ 5 सेंटीमीटर है करेक्टली या 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए, और अगर आपका आंसर 4.9 टू 5.1 के बीच में कहीं भी आता है, प्लस माइनस 0.1 इस रेंज में आता है, तो दैट वैल्यू इज सपोज टू बी करेक्ट. क्योंकि प्लस माइनस 0.1 ये जो है इट कैन बी एरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट आल्सो. तो उतनी हमें ढील दी जाती है, छूट दी जाती है. बट स्टिल साइंटिस्ट ट्राई टू मेंशन मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड एक्यूरेट रिजल्ट्स. फिर भी साइंटिस्ट को ये जो रिजल्ट्स मेंशन करने होते हैं इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट करने की वो कोशिश करते हैं. नाउ फर्स्ट पॉइंट हियर कम्स, व्हाट इज मीन बाय एक्यूरेसी? क्या एक्यूरेसी, करेक्टनेस? एक्यूरेसी क्या होती है? देखो बेटा, व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी इज नथिंग बट द क्लोजनेस. What is it? It is the closeness of observed value. Closeness of observed value to the true value. What is accuracy? Accuracy is nothing but the closeness of observed value to the true value. Observed value या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू या कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो ट्रू वैल्यू या इसे हम एक्सेप्टेड वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू भी कह सकते हैं, तो क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू.
ऑब्जर्व वैल्यू कितनी क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, दैट क्लोजनेस इज नथिंग बट एक्यूरेसी. व्हाट इज एक्यूरेसी? कि जो भी हम वैल्यू ऑब्जर्व कर रहे हैं वो ट्रू वैल्यू के, एक्चुअल वैल्यू के कितने क्लोज है, कितनी नियर है, कितनी नज़दीक है, दैट इज, दैट क्लोजनेस इज नथिंग बट एक्यूरेसी. समटाइम्स एक्यूरेसी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. एक्यूरेसी को दूसरा भी एक नाम होता है बेटा, एक शब्द यूज किया जाता है, दैट इज नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर. एक्यूरेसी इज नथिंग बट ऑल्सो एब्सोल्यूट एरर. सो हाउ टू राइट एक्यूरेसी और एब्सोल्यूट एरर, देखिएगा. सो एब्सोल्यूट एरर और एक्यूरेसी आप कुछ भी लिख सकते हो. एब्सोल्यूट एरर, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जर्व्ड वैल्यू या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. क्या होती है बेटा एक्यूरेसी या ऑब्जर्व एरर? इट इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, दैट इज नथिंग बट एक्यूरेसी और एब्सोल्यूट एरर. जो भी वैल्यू हमने मेजर की है और उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, दोनों में जो डिफरेंस होगा, दैट इज नथिंग बट एक्यूरेसी और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एब्सोल्यूट एरर. नाउ समटाइम्स टू रिड्यूस दिस एरर व्हाट डू वी डू? बहुत बार एरर मिनिमाइज करने के लिए, कम से कम करने के लिए या ज़्यादा एक्यूरेसी आने के लिए क्या किया जाता है बेटा? द सेम फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड मोर देन वंस. वही फिजिकल क्वांटिटी हम दो तीन चार पाँच बार तक उसे क्या करते हैं, मेजर करते हैं. एक ही क्वांटिटी मोर देन वंस, एक से ज़्यादा बार उसे मेजर करते हैं एंड वी डू टेक इट्स एवरेज. और फिर ऑल मेजरमेंट का हम क्या लेंगे, एवरेज, अरिथमेटिक मीन लेते हैं. एंड दैट्स वाई एब्सोल्यूट एरर इट इज ऑल्सो इक्वल टू, इसकी दूसरी भी डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन हम ऐसे दे सकते हैं, मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. देखो ऑब्जर्व्ड, सॉरी, एब्सोल्यूट एरर इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू और इट इज मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू. मीन यानी एवरेज. एक ही फिजिकल क्वांटिटी बहुत बार हमें मेजर करने के लिए दी जाती है, फिर उस मेजरमेंट्स की हम क्या करेंगे, मीन वैल्यू निकालेंगे एंड देन मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ये जो डिफरेंस होता है दैट इज एक्यूरेसी और एब्सोल्यूट एरर. एक छोटा सा एग्जाम्पल देखता हूँ बेटा. सपोज एक्चुअल वैल्यू ऑफ सर्टन मास इज इक्वल टू से 5 मिलीग्राम्स या 5 ग्राम ले लो. आपको एक सैंपल मेजर करने के लिए दिया है और उसकी एक्चुअल वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू, ट्रू वैल्यू क्या है, 5 ग्राम. एंड सपोज इट इज गिवन फॉर द मेजरमेंट ऑफ, फॉर मेजरमेंट टू 3 स्टूडेंट्स से ए बी एंड सी. 3 बच्चों को ये क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी दी है मेजर करने के लिए. समझो ए हैज़ कैलकुलेटेड दिस वैल्यू टू बी 5 ग्राम्स. सपोज बी हैज़ कैलकुलेटेड दिस वैल्यू टू बी 4.9 ग्राम्स एंड सी हैज़ कैलकुलेट दिस वैल्यू टू बी 5.2 ग्राम. तीनों को एक ही क्वांटिटी दी है, सेम मास दिया है और तीनों ने रिपोर्ट क्या किया, ए ने कहा इट इज़ 5 ग्राम, बी ने कहा 4.9, सी ने कहा इट इज़ 5.2 ग्राम. तो अब अगर हमें यहाँ एक्यूरेसी डिटरमाइन करनी है तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ए के लिए देखेंगे तो 5 माइनस 5 0 एंड एब्सोल्यूट एरर क्या है बेटा इसमें, 0. यानी ए ने जो रीडिंग दी है या मेजरमेंट की है दैट इज 100% करेक्ट, यहाँ कोई एरर नहीं. बी के बारे में क्या होगा बेटा, 4.9 माइनस 5, यानी यहाँ -0.1 का डिफरेंस आ गया. यानी यहाँ एरर कितनी आ गई बी के मेजरमेंट में, -0.1 ग्राम, इतनी एरर आ गई. माइनस क्यों, क्योंकि उसका मास एक्चुअल मास से कम आया है. और सी स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट की है उसने रिपोर्ट किया है मास 5.2 ग्राम. तो यहाँ एरर कितनी हो जाएगी बेटा, ये 5.2 ऑब्जर्व वैल्यू उसकी माइनस ट्रू वैल्यू. तो यहाँ एरर आ गई 0.2 ग्राम, ये एरर प्लस में होगी क्योंकि सी स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट की है उसकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से
0.2 ग्राम से ज़्यादा है, सो इट इज़ पॉजिटिव। या हम इसे दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। समझो एक ही स्टूडेंट को सेम सैंपल इज गिवन फॉर मेजरमेंट, एक ही स्टूडेंट को ये मेजरमेंट करने के लिए दी है सेम क्वांटिटी, एंड ही मेजर्ड दैट क्वांटिटी 3 times, उसने 3 बार उसका मेजरमेंट ले लिया, तो वैल्यू समझो आ गई 5 grams, इट इज़ 4.9 ग्राम, एंड हियर इट इज़ 5.2 ग्राम सपोज। ओके, अब तीनों का हमें क्या करना होगा, एवरेज निकालना होगा, 5 + 4.9 यानी 9.9 एंड 5.2, तो दिस वैल्यू इट विल कम टू बी, देखो क्या आ जाएगी, 5, और ये समझो इसे 5 समझते हैं 10, और 15.1 आ जाएगी, इट इज़ 15.1 इसका मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स टेकन R3। चलो इसे सॉल्व करो क्या वैल्यू आती है देखेंगे, सो इट कम्स टू बी, सो 3 5s are 15.0, 3 3s are 9, अगेन 3 3s are 9, सो लाइक दिस। सो यहाँ मीन वैल्यू कम्स टू बी 5.033, और अगर हम यहाँ एक्यूरेसी देखेंगे तो अब क्या करना होगा बेटा हमें, ये जो एवरेज वैल्यू 5.033 माइनस उसकी एक्चुअल वैल्यू, और ये जो डिफरेंस होगा यहाँ एक्यूरेसी विल बी 5.033 माइनस 5.0, यानी इट इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगी 0.033, यानी या एक्यूरेसी कहाँ तक है अप टू 0.033, या एब्सोल्यूट एरर कितनी है यहाँ 0.033, सो दिस इज अबाउट एक्यूरेसी। फिर एक बार शॉर्ट में देखो, वेन एवर फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड इन केमिकल लैब दे मे नॉट बी 100% एक्यूरेट ड्यू टू 2 reasons, नंबर 1 स्किल ऑफ द परफॉर्मर या ऑब्जर्वर, जो पर्सन वो कैलकुलेशंस कर रहा है या एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसका स्किल, इस पे ये डिपेंड करेगी, एंड लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के लिए भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है देखेंगे वो भी, एंड बिकॉज ऑफ दिस 2 factors एक्यूरेसी मे नॉट बी 100%। बट वट इज़ एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज नथिंग बट द क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, क्लोजनेस ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू, जो ऑब्जर्व वैल्यू की है हमने या जो हमने मेजर्ड वैल्यू ली है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है वो कितनी क्लोज है टू द ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू, तो एक्चुअल वैल्यू या ट्रू वैल्यू और हमने जो कैलकुलेट की है कितनी क्लोज है, ये क्लोजनेस जो होता है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मेनी ए टाइम्स इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर, क्योंकि हम एक्यूरेट नहीं है इसका मतलब क्या होता है बेटा, उसमें कुछ ना कुछ एरर है, सो एब्सोल्यूट एरर और एक्यूरेसी इट इज़ इक्वल टू ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। अगर हम ऑब्जर्व वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिफरेंस देखेंगे तो जो भी डिफरेंस होगा दैट इज़ नथिंग बट एब्सोल्यूट एरर। बट देखो बेटा, टू गेट मोर एंड मोर एक्यूरेट वैल्यू क्या किया जाता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर्ड मोर देन वंस, एक ही फिजिकल क्वांटिटी हम 2, 3, 4, 5 बार मेजर करते हैं और उसका एवरेज लेते हैं, मीन लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई एब्सोल्यूट एरर इज ऑल्सो गिवन एज मीन ऑब्जर्व वैल्यू, इसे मीन वैल्यू भी कह सकते हैं हम, एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू मीन वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। और जस्ट अभी हमने जो एग्जांपल देखे थे शॉर्ट में दोहराता हूँ, सपोज एक्चुअल मास इज इक्वल टू 5 ग्राम, कैलकुलेट करने को या मेजर करने को दिया है 3 बच्चों को, तीनों ने इस उनकी रीडिंग्स ये बता दी, तो यहाँ हम कहे पहले स्टूडेंट की एक्यूरेसी 100% है, सेम वैल्यू आ गई, यहाँ एक्यूरेसी या एब्सोल्यूट एरर -0.1, यहाँ एक्यूरेसी और एब्सोल्यूट एरर +0.2, इतनी एक्यूरेसी होगी या एरर होगी। बहुत बार अगर हम समझो वही क्वांटिटी एक ही स्टूडेंट को दे दी और उसने वो 3 बार मेजरमेंट ली, 3 बार इसकी वैल्यूज आ गई, तो अब हमें इन 3 वैल्यूज़ की एवरेज लेनी होगी विच इज़ 5.033 ग्राम, यानी ऑन एन एवरेज उसकी वैल्यू क्या आ गई 5.033 ग्राम्स, और अब यहाँ मीन वैल्यू 5.033 माइनस एक्चुअल वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर कितनी आ गई बेटा 0.033। ओके, सो दिस इज एक्यूरेसी। बट सी मेनी अ टाइम्स
instead of simply absolute error. Scientists, they express it in terms of relative error. Absolute error ke bajaye ya simply accuracy ke bajaye, these quantities, they are also expressed in terms of relative error. Let us see what is relative error. Ab a relative error kya hoti hai? Relative yani comparative, compared with. Or is relative error se aapko pata chalega ki it gives us idea about percent error. Yani agar wo quantity 100 hoti to usme kitni error hoti. Relative error. और इसके लिए ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, रिलेटिव एरर इज नथिंग बट ऑब्जर्व्ड एरर. क्या होता है ये? ऑब्जर्व्ड एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100. रिलेटिव एरर क्या होती है? ऑब्जर्व्ड एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू इनटू 100. और एक्चुअली अगर आप इसे देखेंगे तो इट सीम्स टू बी परसेंटेज एरर. ये परसेंट एरर टाइप का पार्ट होगा. कैसे? देखिए, ये ट्रू वैल्यू है, इतनी ऑब्जर्व एरर आ गई. अगर ट्रू वैल्यू 100 होती तो कितनी ऑब्जर्व एरर आती? सो इट गिव्स अस परसेंट एरर आल्सो. इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी हम लेकिन थोड़ा बाद में देखेंगे. उसके पहले